गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमने एक पोजीशन क्रिएट की थी माइंड ट्री में, जिसमें हमने 1994 पे बाई था और सेल था 2001.50 पे। ये जो ट्रेड है वो हमने एक्चुअली शॉर्ट किया था 2001.50 से और 1994 तक अपने हमने टारगेट इसमें बुक किया था। और माइंड ट्री में अगर हम आजकल लो की बात करें तो ऑलमोस्ट 1993 के आसपास था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इनिशियली मार्केट जब ओपन हुआ तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ये एक जो स्विंग हाई था यहाँ पर वहाँ तक आ सकता है, तो उसी को देखते हुए हमने इसी को शॉर्ट किया था और पहली मिनट में हमने अपना ट्रेड क्लोज कर लिया था। ठीक है, सो अभी ये दूसरा जो ट्रेड है वो सिप्ला का है, जिसमें हमने 786 के नीचे सेल करने का सोचा है। मतलब ये जो लेवल था उसके नीचे हमारा कंफर्मेशन था, उसके नीचे यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो चुकी है और ये एक रिजेक्शन वाली कैंडल बनी हुई है। अगर यहाँ पे इसके नीचे ये कैंडल अगर क्लोज हो जाती है 786 के नीचे, तो हमें 781 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अनदर थिंग कि अगर हम बात करें इसके ट्रेंड लाइन की, तो ये एक डाउन ट्रेंड ही था। यहाँ से मैं अगर एक सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ, ये सेगमेंट की लाइन है, जिससे कि आप एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक इसको ड्रॉ कर सकते हो। पूरी लाइन नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द केस। और अब ये जो है लोअर हाई की फॉर्मेशन बनाते हुए यहाँ पे रिजेक्शन होता होता नीचे की ओर आ रहा था, तो ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ये रिटेस्ट होने के लिए जा रहा है। अब यहाँ से ये रिवर्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वी विल बुक द लॉस एट अराउंड 792, दैट वुड बी अवर स्टॉप लॉस एंड अवर बाय अबव पोजिशन वुड बी अबव दिस लेवल, दैट इज़ एट 795। अगर ये 795-796 के ऊपर निकलता है तभी हम इसमें बाय की पोजीशन क्रिएट करेंगे, अदरवाइज नॉट। हमारा जो स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस ब्लॉग है उसमें हमने आज के जो स्टॉक्स दिए हुए हैं उसमें है एम्फेसिस में भी हमारा बाय अबोर और सेल बिलो का जो लेवल है वो आप देख सकते हो। बर्जर पेंट, एम्फेसिस और माइंट्री हमने लिया था, तो 1732 के ऊपर अपना बाय बनता था और अभी आप देख रहे हो एम्फेसिस ट्रेड कर रहा है 1762 के आसपास। मतलब कि हमारा तीसरा टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट डन होने को है। लेकिन अगर हम उसके ओपनिंग और बाकी के लेवल्स की बात करें तो 1722 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 1732 पे हमने बाय किया, 1742, 1752 और 1763, ओके। तो उसी हिसाब से आज का ट्रेड चला हुआ है। बाय अबव का जो लेवल था हमारा वो था 1732 का। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 32 इज समथिंग अराउंड हियर और 22, what did you 52। हमारे तीन टारगेट डन हो चुके हैं, उसके ऊपर इसने अपना हाई जो बनाया है वो है अराउंड 67 रुपीस का, 1767.70 और 1773.62 हमारा फोर्थ टारगेट है। तो मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ,
और आप देखिए इसने 786 को लो ब्रेक किया है और अभी नीचे की ओर आ रहा है सिप्ला। तो हम वहाँ पे देखेंगे कि नीचे की ओर मोमेंटम किस तरह से हो रही है। और इसने अपना लो बनाया है 785.40 का और भी नीचे की ओर कंटिन्यू करता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो एरिया है वहाँ पे 1782 तक का लेवल जो है वहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है इस रीजन में, जो कि एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से प्राइस रिवर्सल होने के बहुत ही चांसेस है, अनटिल एंड अनलेस की एवरेज वॉल्यूम बायर का हमें यहाँ पे देखने को मिले। सो वी हैव टू बी वेरी क्विक रिगार्डिंग दिस, बट वी आर श्योर अबाउट दिस लोअर हाई फॉर्मेशंस। सो रिट्रेसमेंट वुड बी देयर एंड देन सेल बिलो लेवल इज एग्जीक्यूटेड, सो वी कैन एक्सपेक्ट द मोमेंट अनटिल 784, 782। फ्रॉम दिस रीजन वी कैन सी अ क्वाइट अप मूव, यू कैन सी दैट्स अ सपोर्ट एरिया इन हायर टाइम फ्रेम। इफ आई सी इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम देन यू कैन सी दैट दिस इज द जोन फ्रॉम वेयर इट हैज़ टेकन द सपोर्ट। सो लेट्स सी हाउ द प्राइस इज रिएक्टिंग इन दिस एरिया, वेदर इट इज ब्रेकिंग दिस लोज और नॉट। सो दैट्स द केस एंड यू कैन सी दैट सिंस लास्ट मार्च स्टार्टिंग इट वॉज कंसोलिडेटिंग बिटवीन 791 एंड 1820 अराउंड दिस रीजन ओनली। सो लेट्स सी हाउ द सिप्ला इज मूविंग एंड कंकरेंट टू दैट वी विल सी निफ्टी फार्मा चार्ट एज वेल। निफ्टी फार्मा इज ऑल्सो 1% डाउन एंड इन दिस केस ऑल्सो वी कैन सी सिप्ला इज ऑल्सो अराउंड 1% डाउन, दैट इज 0.80। इट इज मेरे व्यूअर्स जो लोग हिंदी में समझते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सिप्ले में हमें एक पोजीशन क्रिएट की थी, वो जो है 786 के नीचे हमने सेल किया है। और अभी जो है यहाँ पर हमने एक सिचुएशन क्रिएट की है कि वहाँ पे हम 781 तक का टारगेट लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 5 रुपीस, एंड 792 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिस फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल एंड बिलो दैट ओनली वी हैव टेकन अ सेल ट्रेड बीइंग अ लोअर हाई फॉर्मेशन ओवर हियर एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस कैंडल एट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड इट इज क्लोजिंग एट अराउंड 786 एंड फॉर दिस कैंडल इट्स ओपनिंग इज एट 786 ओनली। ओके सो लेट्स सी हाउ द प्राइज इज रिएक्टिंग टूवर्ड्स अवर टारगेट्स और नॉट। एंड एज एक्सपेक्टेड यू कैन सी द सेलिंग प्रेशर इन दिस कैंडल एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स 785, 784। इट हैज़ मेड अ लो ऑफ 785.25 एंड स्टिल इट इज मूविंग डाउन। लेट्स सी हाउ द प्राइज इज रिएक्टिंग। In case of emphasis, let's see where the price has reached. It has made high of 1769. Again here also 1769. Being in uptrend, it is taking a retracement over here. You can see red, green, red, green. This is the case, but it is in an upward direction. So
यहाँ पर एक हायर हाई की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। सो लेट्स सी अगेन, इट इज कंसोलिडेटिंग दिस एरिया ऑफ 786. लेट्स सी इन 1 मिनट टाइम फ्रेम व्हाट इट इज डूइंग ओवर देयर. सो हियर टू कैंडल्स हैव क्लोज बिलो दिस एंड इट इज रीटेस्टेड दिस रीजन दैट इज प्रीवियस सपोर्ट is now acting as a resistance at around 787, and after that let's see whether it is breaking this levels or not. So if it is breaking this level now, then we can see a good downward rally in this case. So जो पहले यहाँ पे support था 787 का इस जगह पे, उसी को resistance के तौर पे यहाँ पर रिजेक्ट प्राइस हुई और नीचे की ओर अभी ट्रेड कर रही है 786 के आसपास. लेकिन ये जो है वो सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इसको मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ. और अगर हम यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो क्या सिचुएशन है, लेट्स सी. सो वी कैन एक्सपेक्ट द रिवर्सल फ्रॉम 782.45 लेवल्स एंड बिलो दैट वी कैन सी दिस लेवल एज वेल, दैट इज 780.34. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. And again I will go to lines and taking horizontal line, and I will be marking this levels of Fibonacci with the green line, so we can identify which lines we have drawn over here. And it has taken the retracement from 38.2, so we will expect it to reach till this 38.2 area of 782.43. And I will now remove this Fibonacci so we can see the chart clearly without any indicators. So we have kept our target in between these two regions of Fibonacci levels. So let's see what happens. It has made a low of 785, and you can see here in the market depth as well, it is moving towards this lower end. In case of Nifty Pharma also, if we see, it is coming towards this lower end and support area as you see here. Same chart as of Cipla. The first half an hour candle is red and after that it is moving down. So let's see. Until the Nifty Pharma reaches this region of support area, okay, we will see what happens in case of Nifty. It is also in a sideways momentum, I guess.
या इट हैज़ नॉट ब्रेक, इट्स 30 मिनट्स लो. इफ इट इज़ ब्रेकिंग दिस 30 मिनट्स लो, वी कैन एक्सपेक्ट द मोमेंटम टिल दिस रीजन ऑफ 14,803 एंड बिलो दिस एज वेल. सो लेट्स सी. निफ्टी फार्मा इज नेगेटिव, एफ एम सी जी नेगेटिव, ओनली आई टी इज पॉजिटिव. सो इन दैट केस इन माइंड ट्री वी हैव टेकन वन ट्रेड एंड सक्सेसफुली अचीव्ड आवर टारगेट्स. ओके एंड हियर यू सी सिप्लाई इज मूविंग टूवर्ड्स इट्स लो एट 785. इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट हियर एंड the sellers are trying to approach lower levels. So let's see what is the situation here in Cipla. In case of Nifty Pharma as well, same situation is happening. And here also, if I draw a segment, you can see a clear lower high formations over here. And we can expect a good move till this region, breaking this support area as well. So we can see the lower level buying in Cipla. Here in market depth you can see the quantity, here it's order, and this is the bidding price from which the buyers are interested to buy at this prices. But we also have to see this trend of the stock. हमें ये भी कंफर्म करना है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है. अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो नीचे, मतलब कि जो करंट प्राइस है उससे नीचे के प्राइस पर बायर्स इंटरेस्टेड होंगे उसको बाय करने में. मतलब कि जो लोगों ने ऊपर के भाव पे शॉर्ट किया है, मतलब कि जो कॉस्टली प्राइस है, मतलब ऊपर का जो भाव है वहाँ से जिन लोगों ने सेल किया है वो नीचे के भाव पर बाय करना चाहेंगे. सो सेल पोजिशन में, शॉर्ट सेलिंग इसको कहते हैं, इसमें यही एक सिचुएशन होती है जिसमें नीचे के भाव पे बाइंग दिखने को हमें मिल सकती है. सो इन केस, इन दिस केस लोअर लो की फॉर्मेशन बनते हुए इसको मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तब भी आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर दो बार रिजेक्शन मिलने के बाद तीसरी जो कैंडल बनी है वो बनी हुई है 793 से 789 तक की, और उसके बाद यहाँ पे कंकरेंट हमें लोअर लो की फॉर्मेशन देखने को मिली है, और यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत बाइंग एवरेज दिख रहा है. सो लेट्स सी वेदर इट इज़ टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस लेवल और इट इज़ कमिंग अबव दिस 787 लेवल्स. इफ इट इज़ ब्रेकिंग दिस 787 लेवल्स ऑन अपर एंड, we will wait till 790 region from where it could reverse, otherwise we will exit this trade because it may come up till 795.
सो लेट्स सी। तब तक हम देखते हैं एम्फेसिस में क्या पोजीशन बनी हुई है। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद अपर साइड मूव करता हुआ हमें दिख रहा है एम्फेसिस, जो कि एक आईटी का स्टॉक है। और निफ्टी आईटी में हमने देखा कि वही एक सेक्टर है जो पॉजिटिव है, और उसमें भी सेम पैटर्न हमें देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पर निफ्टी आईटी का चार्ट देखें, ठीक है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, उसको ऊपर की ओर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। सो 26,540 के आसपास अगर रिवर्सल होता है आईटी में, तो हमें एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नीचे की ओर हमें लेवल्स जो देखने को मिलेंगे वो दिखेंगे 26,360 के। बट बीइंग इन अप ट्रेंड वी विल नॉट शॉर्ट दिस ट्रेड अनटिल एंड अनलेस द ट्रेंड लाइन ऑफ दिस ट्रेंड इज ब्रोकन एंड कन्वर्टेड एज अ डाउन ट्रेंड। सो ये एक हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। जब तक कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती, और यहाँ ऊपर की ओर हमें ये जो लेवल्स है वो सपोर्ट एरिया है, निफ्टी फार्मा भी नीचे की ओर मोमेंटम करता हुआ दिख रहा है। इसने लो बनाया है 11,898 का, और अभी उसका प्राइस है 11,902 इन केस ऑफ सिप्ला एज वेल। यहाँ पर से हमें एक रिजेक्शन मिला, और नीचे की ओर प्राइस मूव करती हुई 785 की ओर। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो और भी नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। और ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अगर यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो लोअर लो के फॉर्मेशन में नीचे की ओर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, और हमारा टारगेट अचीव होने की पॉसिबिलिटीज़ भी। ठीक है, यहाँ पर जो एक सपोर्ट जोन था वो ब्रेक हो चुका था। यहाँ पर वो ब्रेक होने के बाद इसने एक रिजेक्शन की कैंडल बनाई रिट्रेसमेंट के तौर पर, और उसके बाद नीचे की ओर फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहीं से रिजेक्शन होते हुए प्राइस नीचे की ओर मूव कर रही है। अगर ये 785 का लेवल ब्रेक कर देती है तो नीचे की ओर हमें 782 और 780 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी आफ्टर 785 दीज आर द लेवल्स ऑफ 784। इन बिटवीन नोबडी इज़ इंटरेस्टेड टू ट्रेड, ओके, एंड एज एक्सपेक्टेड यू कैन सी हेयर इट इज़ मेड अ लो ऑफ 784.55। अगेन 783.55 पे भी हमें अच्छे खासे बायर्स की एंट्री दिख रही है, और ये हमारे टारगेट की ओर बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। निफ्टी फार्मा भी ये नीचे की ओर मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, इसको मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 1 आवर में भी हम अगर बात करते हैं तो ये जो एक चैनल है उसी के तौर पर यहाँ तक इसमें हमें नीचे की ओर रैली देखने को मिल सकती है। अनटिल एंड अनलेस निफ्टी फार्मा भी 1% से ज़्यादा गिर चुका है। सो उसी के कंडीशन में यहाँ पर इसने लो बनाया है 784 का, और वो भी ब्रेक होता हुआ हमें यहाँ पे दिख सकता है।
निफ्टी फार्मा के साथ। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप दोनों का टाइम फ्रेम सेम रखो, तो मैं यहाँ पर इसको 5 मिनट्स कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट हुआ और फिर नीचे आया, तो जब भी रीटेस्ट होने के बाद नीचे मोमेंटम देखने को मिलती है वो शार्प फॉल होता है, तो यहाँ पर यही कंडीशन हुई है और नीचे की ओर हमें शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। और ये नीचे की ओर ही बढ़ता हुआ 783.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 783 के लेवल पे भी हमें अच्छे बायर्स देखने को मिल रहे हैं। इन सिप्ला इसने लो बनाया है 783.80 का, ओके, जो कि अभी करंट प्राइस चल रहा है। सेवन एट्टी थ्री पॉइंट थर्टी फाइव का इसने लो बनाया है, और निफ्टी फार्मा में भी हमें एक नज़र रखनी चाहिए। ये जो सपोर्ट एरिया है इसमें निफ्टी फार्मा कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ पर से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है जो कि एक सपोर्ट एरिया हो सकता है। सो वी विल बी कॉशियस, इफ इट इज़ रिवर्सिंग फ्रॉम दिस 11,880 लेवल्स वी विल एग्जिट द सिप्ला ट्रेड एंड नॉट वेट फॉर दिस बिलो एरिया। ओके, मीनवाइल इन बर्जर पेंट ऑल्सो लेट सी, यहाँ पर एक रिजेक्शन वाली कैंडल बनी थी और हमारे जो बाय अबव और सेल बिलो के लेवल से बर्जर पेंट में जो कि यहाँ पर मौजूद है 729 के ऊपर हमारा बाय था और 722.26 के नीचे हमारा सेल था, तो अभी ये जो है वो ट्रेड करा है 716.5, मतलब कि हमारा ये जो फर्स्ट टारगेट है उसी के आसपास उसने अपना लो बनाया हुआ है 716 का, तो ये अचीव होने की अगर पर है। सिप्ला नीचे की ओर ट्रेड करता हुआ हमारी टारगेट की डायरेक्शन में मोमेंटम होती हुई, इनिशियली जो लोग नए हैं और सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग वो अपनी क्वांटिटीज कम रख के भी ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हमारा कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगा है। ठीक है,
यहाँ पर सिप्ला में हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है आफ्टर कंसेक्यूटिव 4 कैंडल्स ऑफ 10 मिनट्स विथ रेड जोन। एंड यहाँ पर सेलर्स डिक्लाइन होते हुए दिख रहे थे, और एज वी टोल्ड कि ये एक सपोर्ट एरिया है तो यहाँ से रिवर्सल हो सकती है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में हम कंफर्म करते हैं कि क्या सिचुएशन है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर यहाँ से ही रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर ये 785 से रिजेक्ट होकर नीचे आता है तो हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर वो 785 के ऊपर चला जाता है तो ये सपोर्ट एरिया है और उसमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव भी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि रिट्रेसमेंट ले सकता है 786 और 789 के लेवल के आसपास। लेकिन ये रिजेक्शन होने के बाद, मतलब कि नीचे की ओर सपोर्ट ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया और फिर अभी डाउनवर्ड मूवमेंट में स्टॉक चल रहा है। सो वी विल कंकरेंटली सी निफ्टी फार्मा भी वही चीज़ हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर फार्मा ने एक रिट्रेसमेंट लिया हुआ है, और अगर ये इसका लो ब्रेक कर देता है 11,888 का, उसके नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है, मतलब इसका जो ओपनिंग रेंज है 11,887, ये जो लाइन है इसके नीचे अगर ये बंद दे देता है इस कैंडल को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो हमें नीचे की ओर अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी, वेट फॉर द डाउनफॉल। और निफ्टी फार्मा 1.13% माइनस है, और मार्केट भी ऑलमोस्ट पहले 0.12 के आसपास था। लेट्स सी उसने अपना हाफ एन आवर का लो ब्रेक किया है कि नहीं। ओके, इसने अपना हाफ एन आवर का लो ब्रेक कर दिया है, सो आई विल कन्वर्ट इट टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। एंड हियर यू कैन सी इट हैज ब्रोकन दिस सपोर्ट of this region yesterday, which is made around 14,900, and it is trying to get a retracement over here. I'll convert it to 5 minutes time frame, and it will hit this 14,886 level and again may come back towards the down. So in this case also Cipla, it is trading at around 784 level. और मैं अगर मार्केट डेप्थ की बात करूँ तो 783 के लेवल पे 103 ऑर्डर्स पेंडिंग है, जिसकी क्वांटिटी टोटल होके आ रही है 6,930। और ये नीचे की ओर मूव करता हुआ, इसके साथ अगर हम निफ्टी फार्मा का चार्ट देखते हैं तो उसमें भी नीचे की ओर मोमेंटम देखने को मिल रही है। जैसे कि हमने बताया था 11,887 के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है तो नीचे सिप्ला में भी हमें एक डाउनवर्ड मोमेंट देखने को मिल सकती है। सो लेट्स सी, हम लोग अपनी पोजीशन को, हमने जो ये ग्रीन लाइन ड्रॉ की हुई है 782.43, मतलब 783 से वो सपोर्ट भी ले सकता है। इट्स नॉट दैट exactly it can come to this level and then going back. This is just probability, so we are doing a probability test over here. And calculating the risk and reward that to our favorable region, that our risk is less and reward is much more. Okay, so 783.35 के नीचे अगर हम यहाँ पे
अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, देन वी विल एक्सपेक्ट अ डाउनवर्ड मोमेंटम इन दिस रीजन। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें एक रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। अगर ये 785 के ऊपर बंद होके ऊपर की ओर चला जाता है और यहाँ पर हमें 783.50 के लेवल पे बायर्स देखने को मिल रहे हैं, जब भी मोमेंटम होता है तब तो हमें शार्प फॉल्स देखने को मिलते हैं, अदरवाइज शार्प रिवर्सल भी होते हैं। सो ये एक सपोर्ट एरिया है, तो हम अपनी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं एट अराउंड 783 के आसपास। विल नॉट वेट फॉर द 782.40 और 780 levels. Those who are patient traders, they can wait. And as expected, it is coming down toward this region at 783.50 levels. Okay, and again at 783, you can see how much quantity and orders are pending. So how much the sellers are interested to bring the price down and want to book their profits at lower levels of 783 and below that as well. So उसके नीचे जितना भी sellers अपना price खींचना चाहते हैं वो अपना price नीचे की ओर profit book करने के लिए नीचे ही price रखेंगे, that is 783, 781, 780, like that. तो अभी जो इसने लो बनाया है 783.50 का, बिकॉज वहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम था, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अराउंड 8000 क्वांटिटी 783 के आसपास दिख रही है, लेकिन अभी जो सिप्ला का मोमेंटम है उसमें हमें 784 के आसपास मोमेंटम दिख रही है। और अगर यहाँ पर हमें ट्वीज़र बॉटम अगर हमें यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिलती है, देन वी विल एग्जिट दिस ट्रेड। फॉर कंटिन्यूइंग दिस ट्रेड इट शुड क्लोज बिलो दिस 783 लेवल इन दिस 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, देन ओनली वी कैन गेट द 781.25 टारगेट्स। निफ्टी फार्मा में भी अगर हम बात करें, उसके नीचे क्लोज होने के बाद कंसोलिडेटेड होता हुआ और कैंडल्स की साइज छोटी होती जा रही है, दैट मींस कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सो बेटर वी एग्जिट आवर ट्रेड एट दिस रीजन, और हमें हमारे ही ट्रेंड की कंटिन्यूएशन होती हुई दिख सकती है यहाँ पर। तो निफ्टी फार्मा भी नीचे की ओर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, और सिप्ला में भी अगर हम बात करें यहाँ पर एक वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर कोई रेड बड़ी कैंडल बन जाती है तो वो हमें कंफर्म करती है कि हमारी डायरेक्शन में ही चल रहा है ट्रेड। सेवन एटी थ्री पॉइंट फाइव जीरो एक सपोर्ट लेवल के तौर पे एक्ट करता हुआ, और मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे दो कैंडल कंकरेंट ग्रीन बनती है और ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है,
मतलब कि ये एक बुलिश पिन बार है जो कि डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद आता है, और यहाँ से हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी, एंड इट हैज़ क्लोज्ड अबाउट दिस रीजन, सो वी विल ट्राई एंड बुक अवर प्रॉफिट्स अराउंड दिस रीजन ऑफ 784। ओके, आई विल मॉडिफाई टू 784। इसको अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं 15 मिनट्स में, तो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न होती हुई हमें नज़र आ रही है, जिसको कि मैं यहीं पर क्लोज करना चाहूँगा इस ट्रेड को। और जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें देखने को मिल रही है डाउनफॉल के बाद, तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ के लेवल्स तक जा सकता है और फिर नीचे आ सकता है। सो विल एग्जिट दिस ट्रेड इन दिस पोजीशन। फिर आप कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर आपने अपनी पोजीशन एग्जिट क्यों नहीं की जबकि प्राइस आई थी 783 के आसपास। लेकिन जब भी रिवर्सल होता है, ये 15 मिनट की कैंडल है, कहाँ पर क्लोज होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इस रीजन से अगर रिजेक्शन मिलता है और नीचे की ओर लाल कैंडल बनती है तभी इस ट्रेड में हम रुकेंगे, अदरवाइज आई विल एग्जिट माई ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू द रैली टिल दिस रीजन। अगर ये 784.70 के नीचे क्लोज होता है तभी हम इस ट्रेड में कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज विल एग्जिट द ट्रेड।
हम एक और चीज़ भी गौर करना चाहेंगे कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स की मात्राएं हैं, लेकिन इसकी बॉडी है वो छोटी छोटी है। तो ये रिट्रेसमेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो कैंडल्स बनी हुई हैं छोटे टाइम फ्रेम में, उसमें आप गौर कीजिए, जो भी ट्रेंड होता है, मतलब अगर डाउन ट्रेंड है तो रेड कैंडल्स की बॉडी की साइज़ बड़ी होती है, और अगर अप ट्रेंड होता है तो ग्रीन कैंडल्स की बॉडी की साइज़ बड़ी होती है। ठीक है, सो लेट्स सी वेयर दिस रिट्रेसमेंट इज़ मूविंग टूवर्ड्स। यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन जोन होता हुआ दिख रहा है। अगर इसके ऊपर निफ्टी फार्मा निकल जाता है तो हम सिप्ला में भी अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे इसी रीजन के आसपास। सो इस तरह से प्राइस ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बाय धवल मालवानिया, अगर यूट्यूब में आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको वीडियोस दिख जाएंगी। आज लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज और क्राफ्टमैन ऑटोमेशन का क्लोजिंग है आईपीओ का सब्सक्रिप्शन के लिए, और देखते हैं कि कैसे अभी आईपीओ सीज़न चल रही है तो आईपीओस परफॉर्म करते हैं या क्या करते हैं। मैं इसको यहीं पर क्लोज करना चाहूँगा। देखिए जो मैंने बताया था उसी हिसाब से यहाँ पर अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो उसने अब ये 785 का सपोर्ट क्रिएट कर लिया है, तो मैं यहाँ पर 785 के आसपास ही अपना पोजीशन एग्जिट करना चाहूँगा। फिफ्टीन मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैंने जो बात बताई थी मॉर्निंग स्टार की, तो इसके हाई के ऊपर जब स्टॉक निकलेगा तो 786 से लेके 783 का लेवल है, मतलब 3 रुपीज़ की रेंज है। तो ये ऑलमोस्ट 5 रुपीज़ का अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है 786 से, इट इज़ अप टिल 791 लेवल। ओके, सो ये जो है वहाँ तक इसका अपवर्ड मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी किस तरह से ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, उसके ऊपर हमारा अगला मूव रहेगा। और बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो 786 का जो लेवल है वो ब्रेक होने के बाद अभी रीटेस्ट हो रहा है, और उसके बाद नीचे हमें मोमेंटम देखने को मिल सकती है। लेकिन ये कैंडल जो है आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था, एक सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से एक रिवर्सल अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की ओर। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार की जो फॉर्मेशन है इसमें इसके 50% के ऊपर ये थर्ड कैंडल क्लोज होती है, या तो इसको पूरा कवर कर लेती है। तो इसका जो हाई था वो था 786.70, और इसका जो हाई है वो है 787.3 का। ठीक है, सो एज एक्सपेक्टेड हमें इसमें यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर वो 789 से रिवर्स नहीं होता है तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो।
अगर हमें कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलना है पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम है जिसमें हमें और भी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से रिजेक्शन की कैंडल नहीं बनती है 787.50 के आसपास से, इसी लेवल से अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं होता है तो हम ये ट्रेड को यहीं पे एग्ज़िट कर लेंगे। हालांकि हमने यहाँ पर अपना टारगेट रख दिया है, लेकिन ये जो बायर का मोमेंटम है वो एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है। और हम यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे, स्टडीज़ में जाएंगे, मूविंग एवरेज डालेंगे और 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम चेक करेंगे। सिंपल नहीं, टाइप में जाना है, एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करना है और डन देना है। तो जो मैंने बताया था आप देख सकते हो, अगर इसी प्राइस के आसपास से रिजेक्शन नहीं मिलता है देन वी विल एग्जिट दिस ट्रेड। सो नीचे की ओर बंद होने के बाद फिर से ये प्राइस 20 EMA को टच करने के लिए आई और उसके बाद ही ये नीचे की ओर मोमेंटम हमें दिखा रही है। ठीक है, सो लेट्स सी अनटिल विच लेवल्स दिस मोमेंटम इज़ कंटिन्यूड और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसने अपना लो बनाया है 785.55 का, हमारे ही डायरेक्शन में अभी ट्रेड बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स सी, निफ्टी फार्मा में भी अगर हम स्टडीज़ में जाते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं 20 एक्सपोनेंशियल एंड डन। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिटेस्ट अभी नहीं हुआ है तो यहाँ तक रिटेस्ट होने के लिए जा सकता है, लेकिन अनटिल देन आई विल एग्जिट दिस ट्रेड हियर इट सेल्फ ओनली एट 785, जो कि मैंने अपना टारगेट रखा हुआ है ऑलरेडी। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता है तो नीचे की ओर, अगर 785 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे की ओर हमारा जो सपोर्ट एरिया था 782 का, वहाँ तक इसमें हमें मोमेंटम देखने को मिल सकती है। लेकिन निफ्टी फार्मा में फ़िलहाल क्या सिचुएशन हो रही है आप देखो, यहाँ से रिटेस्ट होने के बाद ही ये नीचे की ओर आएगा, अब तक सिप्ला में एक अच्छा खासा मूव हो चुका होता। सो वी ट्राई टू एग्जिट दिस ट्रेड एट अराउंड दिस लेवल ऑफ 785 रीजन। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बायर्स की एंट्री हो चुकी है जो कि ऊपर के लेवल पे अपने टारगेट्स बुक करना चाहते हैं 787 के आसपास, 3,000, 2,400, 1,300, 2,400, 2,400, 1,300। यहाँ पर उस हिसाब से हमें क्वांटिटी देखने को नहीं मिल रही है जो कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड में होनी चाहिए सेलर की क्वांटिटीज। ठीक है, सो हमने अपना टारगेट जो है 785 का उसको इंटैक्ट रखा है। निफ्टी फार्मा में भी
15 मिनट में अगर हम जाते हैं तो ये और भी ऊपर की ओर है। 3 मिनट्स में ये टेस्ट हो चुका है और यहाँ से नीचे की ओर एक कैंडल बननी चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो हम सिप्ला में एग्जिट कर लेंगे अपनी सिचुएशन को। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको देखना रहता है कि क्या सिचुएशन बन रही है, उसी हिसाब से आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू ट्रेड। और अगर हम बात करें, ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली में इसके नीचे क्लोज हुआ, यहाँ रिटेस्ट हुआ और फिर नीचे की ओर कंटिन्यू कर रहा है। और यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था जो कि था 11,860 का, और इसमें भी आप देख लो 11,848। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो उसने ऑलरेडी अपना ये जो लेवल है उसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और ऊपर की ओर चल रहा है। सो आई विल एग्जिट दिस पोजीशन हियर ओनली, बिकॉज इफ इट इज नॉट रिवर्सिंग फ्रॉम दिस एरिया देन वी कैन सी द अप मूव टिल 790 लेवल्स एज वेल। ओके, सो इसको मैं थोड़ा ऊपर करना चाहूँगा ये लेवल पे। कम क्वांटिटी में भी आप अच्छी खासी चीज़ें सीख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अपना टारगेट मॉडिफाई कर दिया था 785.65 पे। आप देख सकते हो कि हमने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली है। और जो लोग पेशेंट ट्रेडर्स है, वहाँ से रिट्रेसमेंट होने के बाद ये रिवर्सल की एक कैंडल बनी हुई है जिसको हम कंफर्म करते चलेंगे निफ्टी फार्मा के साथ। यहाँ पर टच होने के बाद इसमें एक रेड कैंडल शार्प फॉल नीचे की ओर अगर होता है, जो कि होना चाहिए, बिकॉज आइडियली जब भी किसी एक्सपोनेंशियल या सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज कर देती है तो उसको एक बार रिटेस्ट करने आती है और फिर नीचे की ओर कंटिन्यू करती है। तो मैं उसका एक एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहूँगा। इसने यहाँ पर इसके नीचे गए, ऊपर गए, नीचे गया, यह एक अप ट्रेंड था। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जैसे ही उसने उसके नीचे ब्रेक दे दिया, यहाँ पर ये उसके ऊपर रिटेस्ट होने के लिए गई, फिर वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ और नीचे की ओर आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला इसमें। तो यहाँ पर भी आप वही सिचुएशन देख रहे हो, अभी उसने 785 का लो बनाया हुआ है और
नीचे की ओर मोमेंटम करता हुआ सिपला। बर्जर पेंट में यही एक सपोर्ट रीजन होता हुआ, माइन ट्री में भी आप देख सकते हो ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, और ऊपर की ओर रिजेक्शन मिलने के बाद ये सपोर्ट एरिया जैसे ही ब्रेक हुआ नीचे की ओर आया। अब यहाँ पर ये जो सपोर्ट एरिया है वहाँ से सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है, और अपवर्ड अगर कंटिन्यू करता है 2009 के ऊपर तो उसमें हमें अच्छी खासी एक अपवर्ड मूव देखने को मिल सकती है अगर ये 2009 के ऊपर सस्टेन करता है। सो आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड दिस। और निफ्टी आईटी में भी यहाँ पर सपोर्ट रीजन है, तो ये सपोर्ट एरिया में टच होने के बाद ऊपर की ओर हमें अगर देखने को मिलती है रैली तो माइंट्री और आईटी सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है उसमें अच्छी खासी रैली हमने देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पर जाऊँगा, लाइंस में जाऊँगा, सेगमेंट सिलेक्ट करूँगा, और ये लोअर लो से ये रीजन मैंने ज्वाइन कर दिया है। इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि यही एक जो ट्रेंड लाइन थी जिसको फॉलो करते हुए इसको जैसे ही प्राइस टच करती थी ऊपर चली जाती थी, जैसे ही टच करती थी ऊपर चली जाती थी, जैसे ही टच कर रही है ऊपर जा रही है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अप मूव इन माइंट्री बीइंग निफ्टी आईटी वाज पॉजिटिव। लेट्स सी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ निफ्टी आईटी। एक अच्छा खासा मूव कल के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो था उसी को ऊपर की ओर एक रिजेक्शन मिला और नीचे आया, और यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। अगर ये 20 EMA के ऊपर क्लोज कर देता है तो हमें माइंट्री और आईटी स्टॉक्स में ऊपर की ओर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो निफ्टी आईटी में भी यही एक सिचुएशन है कि ये 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इसमें यहीं से सपोर्ट लिया फिर नहीं जाए, ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ से ऊपर की ओर हमें मोमेंटम देखने को मिलनी चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो नीचे ब्रेक होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद रिजेक्शन का हम वेट करेंगे, सीधा ही इसके ब्रेक होने के बाद हम शॉर्ट नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग द लेवल्स अचीव्ड ऑफ अवर स्टॉक्स विच वी हैव गिवन हियर फॉर स्टडी पर्पस, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस इन अवर पेड कोर्स दे कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। दोज हु वॉन्ट टू जॉइन द ज़ेरोधा विथ अस, the link is given here in this NSE stocks technical analysis blog. You can subscribe our blog by entering your email address here by pressing this subscribe button, so you will get the updates regularly in your videos and email. YouTube ke videos ka bhi update aapko milta rahega. Aap yahan par niche ek red button hoga subscribe ka, wo press kar dijiye. Uske baju mein बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और प्राइस एक्शन आप सीख सके। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।